मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं खबरनामा। AIMM इनकलाब पार्टी के स्पोक पर्सन और हाईकोर्ट एडवोकेट खवी अब्बासी ने वक्फ चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जो कहा था कि असर और मगरिब के वक्त निकाह कर लो, इस पर खवी अब्बासी ने बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हार्ट वीक हो जाता रात में जगने से, ये सब साइड इफेक्ट जो हो रहे यही वजह से हो रहे। शादी ब्याह में भी जो है 1 बजे रात को निकाह, 12 बजे रात को निकाह, क्या है ये? मेहमानों को भी तकलीफ, सबको तकलीफ, लिहाजा असर मगरिब ईशा से पहले निके हो जाना चाहिए। उसके बाद ईशा के बाद खाना चालू हो जाना 10:30-11 बजे तक होके, उसके बाद जिलवा वगैरह जो भी है ये करके 12 बजे अपने अपने घरों में रहना चाहिए। ये कंटिन्यू जो है 4-4 बजे रात तक शादी खानों में, 5-5 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक, अच्छी चीज़ नहीं है। अपन परेशान, दावत में ऐसे वाले परेशान, पेट खराब हो जाता उससे, एसिडिटी हो जाती उससे, हार्ट वीक हो जाता रात में जगने से, ये सब साइड इफेक्ट जो हो रहे यही वजह से हो रहे। दीन और इस्लाम के हिसाब से चलिए, आपको कोई परेशानी नहीं आती, घर में भी बरकत रहती, जोड़े में भी बरकत रहती, और आयस वाले भी खुश होके जाते हैं। शादी का कार्ड बनाते हैं अपन 8 बजे, डिनर 7 बजे, निकाह बोल के बनाते, खाना खिला रहे 11 बजे, ये सब बिल्कुल गलत है। आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना टाइम टू टाइम रखिए प्रोग्राम, और जल्द से जल्द घरों को जाने की कोशिश करिए, क्योंकि कोविड है, कोविड से बचिए आप लोग, और थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करिए हर जगह, क्योंकि आज बहुत लोग परेशान हैं। आज अपने को मालूम नहीं हो रहा, फिर पहले की तरह सब लोग बाजू बाजू बैठ रहे, बिल्कुल फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं अपन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, हाईकोर्ट एडवोकेट, इनकलाब पार्टी लीडर, आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। मेरे नज़र से हाल ही में एक वीडियो गुजरी थी जहां पर मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन कह रहे हैं कि हाजियों को 6 बजे आके निकाह कर लो, मगरिब के बाद कर लो, असर के बाद कर लो, ईशा के बाद करो। फिर आप कानून क्यों नहीं पास कर रहे हैं इसमें? आप एक मेमो पास करिए, एक मेमो दीजिए सबको, आप एक सर्कुलर पास करिए। आप खाली बैठ के बड़े बड़े बातें करते हैं, आप तो मेरी नज़र में डंडगफ्फूर है, आप एक पैसे के काम के नहीं हैं। आप अगर आप अपने आप को वक्फ बोर्ड चेयरमैन समझते हैं, आप अपनी आखिरत का अगर सौदा करना चाह रहे हैं, आपके मरे बात आपको जो सो पूछेंगी, आपसे सवाल क्या जाएगा, तेरे को वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाया था, तू वक्फ बोर्ड की जायदाद तू हिफाजत नहीं कर सका। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर तुम अपने आप को वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोलते हैं और अपने आप को जैसा पावरफुल चेयरमैन बोलते हैं, तो पहले जायद अली खान को खाली करा के बैठो। जायद अली खान जो शिट ऑफ द सोसाइटी है, घर भी वक्त पे बैठा हुआ है, दफ्तर भी घर पे बैठा हुआ है, वक्त भी बैठा हुआ है। अकबर निजामुद्दीन को खाली करा के बताओ, पूरे वक्त की इजाजत पे बैठा है, जायद अली खान का मुँह मेरा भाई है। हाँ, लैंको हिल्स का खाली करके बताओ, दम है तो। विजाज रसूल खान को खाली करा के बताओ, कितने करोड़ों अरबों करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए वक्त के, और खाली तुम बैठ के मशवरे दे रहे। हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता, एसिडिटी बढ़ जाती, तुम क्या डॉक्टर है, नुजूमी है, तुम क्या है, तुम्हारे को जो है सो चेयरमैन बनाया गया, हुकूमत चेयरमैन बनाई, और तुम्हारे को आखिरत में भी पूछेंगे। तुम अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जाओ KCR के बैठ के जुडिशियल पावर्स लो। डंडगफ्फूर, ना लीपने का ना थोपने का, एक पैसे का काम का नहीं है, इसलिए खाली बैठ के मशवरे दे रहा। कोविड आ जा रहा, कोविड से बच के रहो, एसिडिटी आ जा रहा, कोविड से बच के रहो, एसिडिटी बढ़ जाती, वो हार्ट कमज़ोर हो जाता। हाँ, तुम डॉक्टर है और तुम क्या पुलिस कमिश्नर है? हाँ, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा हूँ बोल रहे सो, एक पैसे के काम के नहीं है तुम। शर्म करो, अगर तुम चेयरमैन है तो जाओ जाके जो है सो पहले ये बड़े जो शीट ऑफ द सोसाइटी है ना, मैं जिस जिसके नाम लिया, पहले इनको खाली करो। हम कुछ नहीं रखे, कोर्टों में केस डाल के खाली करा रहे हैं उनको, तुम तो चेयरमैन बने हुए ना, अफसोस की बात है। वॉलंटरली रिजाइन कर दो तुम, अगर तुम नाकाबिल है, तुम काबिल ही नहीं है। उसमें कमेटी में कई ऐसे बोर्ड मेंबर्स है, वकला कई है, उन लोगों को जो सो मौका दो। तुम गैर जरूरी पैसे ऐसे खिला के KCR को बैठे हुए वहाँ पे, वरना तुम तो फिट फॉर नथिंग, एक पैसे के काम के नहीं है तुम। खाली बैठ के हौले शौले बातें कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात ही नहीं, वक्फ दुनिया की वक्फ की ज्यादा हम चले आ रहे हैं, कुत्ते कोयले खा जा रहे हैं। एडवाइस लो, अक्ल इस्तेमाल करो बेवकूफ आदमी। खुदा हाफिज़।
अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।